प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा की ये कहानी सुनते हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी।
रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है। हैं? क्या हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई। हैं? लागत का है, सच्चो मर गई। आए, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना। हम तो रसोई ना बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ, कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। अरे बहू बहू, ये क्या कर डाला है? अब इब का हुई अम्मा जी? हाँ। कहो तो पंडित जी को बुला लें हम। हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ, जाओ जल्दी से, जाओ जाओ पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किस्नु की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, बताइए जरा। हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। ये हाँ, अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिसरानी, ये हुआ कब? अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का। 7 बजे सुबह। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की मां। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से। पंडित परम सुख मुस्कुराए।
अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है। अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए। किया क्या जाए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, बस हरे कृष्ण हाँ हाँ, और क्या। पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की मां, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की मां, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हां, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण। अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना। पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा। रामू की मां, एक तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही हैं? इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है। हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की मां, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण। और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सामान। अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हैं? फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की मां, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा, रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण। सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। रामू की मां, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूं भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए। अच्छा। और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। हो।
सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। ऐसा? हरे कृष्ण। हाँ ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, पंडित जी के टोन तो देखो। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की मां, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। अरे अम्मा जी, हाँ, जी तो क्या हुआ बोलो तो। अरे हुआ का, अरे, बताओ का बताए अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई। क्या? बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार हैं: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।